नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों, आप में से अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, जो पेनिस है उसमें तनाव नहीं आ पाता हो, या किसी को शीघ्र पतन की समस्या हो, तो उसको ठीक करने के लिए एक ऐसा ऑयल हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसके इस्तेमाल से आपको जो शीघ्र पतन की समस्या है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, तनाव न आने की समस्या है, तो उसको इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन सांडा ऑयल के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी इस पर MRP आती है, किस प्रकार इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस मेडिसिन से जुड़ी हर जानकारी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो सांडा ऑयल होता है, देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। अगर बात करें इसके साइज़ के बारे में, तो 15 ml के साइज़ में मार्केट में मिल जाता है। और दोस्तों, जो इस पर MRP आती है वो 235 रुपये आती है, और जो इसको बनाने वाली कंपनी है, तो होम्योपैथी में कंपनी आती है REPL, जिसके द्वारा इसको बनाया जाता है या जिसके द्वारा इसकी मैनुफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों, बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो एक मसाज ऑयल है और पूरी तरीके से हर्बल होता है, किसी भी केमिकल का इसमें यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। तो दोस्तों, जो इसका पहला यूज़ होता है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए होता है। अगर आपका जो पेनिस है उसमें तनाव न आने की परेशानी है, उसमें इरेक्शन नहीं आ पाता, उसमें ढीलापन रहता है, उसमें कड़कपन नहीं आ पाता, तो लिंग में कड़कपन को बढ़ाने के लिए या लिंग में तनाव को बढ़ाने के लिए आप इस सांडा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपको शीघ्र पतन की समस्या है, प्रीमेच्योर एजुकुलेशन की आपको समस्या है, नपुंसकता की आपको समस्या है, तो प्रीमेच्योर एजुकुलेशन को ठीक करने के लिए या शीघ्र पतन को ठीक करने के लिए आप इस सांडा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन से मिलकर ये जो सांडा ऑयल है वो बना होता है, तो दोस्तों इसमें जो पहला होता है वो कलौंजी होती है, जिसको सीड ऑयल भी कहा जाता है, नेगेला सटाइवा भी जिसको कहा जाता है। इसमें अगला होता है अश्वगंधा रूट और विधानिया सोमीफेरा जिसको कहते हैं, और मस्टर्ड ऑयल बेस के द्वारा ये सांडा ऑयल बनाया गया है। दोस्तों, बात करते हैं इसकी डोज के बारे में या यूज़ करने के तरीके के बारे में, किस प्रकार आप इस सांडा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सांडा ऑयल होता है, जब भी आप संभोग करने जा रहे हो उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब आप बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसको सुबह शाम भी अपने पेनिस पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो इस सांडा ऑयल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, और जो इस पर एक्सपायरी डेट आती है वो 5 साल की आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।